यदि आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है और यहाँ तो आप इस वीडियो पे बने रहिए और कंटिन्यू इस वीडियो को देखिए। मैं आपको इस प्रॉब्लम इस वीडियो में बताऊंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्ले का भी लाइट यहाँ पे आता है और चले जाता है। आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। तो आपने देखा गाइज, मतलब कि बटन यहाँ पे जो लाइट जो है रेड लाइट वो जल रहा है, रेड जल रहा है और यहाँ पे हमारे सिस्टम में बीप दे रहा है, टू 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 इस तरह से बीप दे रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका मदरबोर्ड डैमेज है, करप्ट हो गया है, ओके। आपका मदरबोर्ड एक्टिव मोड में है, आपका मदरबोर्ड प्रॉपर तरीका से वर्क कर रहा है, आपका प्रोसेसर भी ठीक है, आपका ये जो SMPS बोलते हैं SMPS भी ठीक है, मतलब हर कुछ ठीक है, मतलब कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, कोई कुछ भी डैमेज नहीं है। बस आपको यहाँ पे चेक करना है कि ऑल द सिस्टम, ऑल द डिवाइस, जितना भी डिवाइस है वो एक प्रॉपर जगह पे सेट है या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मदरबोर्ड पे मैं आपको ले चलता हूँ और बताता हूँ हर डिवाइस प्रॉपर जगह पे लगा है या नहीं, क्योंकि समटाइम डिवाइस प्रॉपर जगह पे नहीं लगा होता है, जिसके कारण भी समटाइम कुछ कुछ प्रॉब्लम फेस आपको करना पड़ता है। तो ये मेक श्योर हो जाए कि आपका ऑल डिवाइस मदरबोर्ड पे प्रॉपर जगह पे लगा है। यहाँ पे रेड लाइट और बीप दे रहा है, टू टू इस तरह से बीप दे रहा है, मतलब आपका मदरबोर्ड भी ठीक है और आपका प्रोसेसर भी ठीक है। तो यहाँ पे आइए, आपको मदरबोर्ड में ले चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कैसे इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए मदरबोर्ड में, सबसे पहले आपको कैबिनेट को ओपन कर लेना है, ओके। और इसको हम ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको पावर केबल हटा देना है, पावर केबल आपको रिमूव कर देना है। या तो आप मदरबोर्ड से हटाइए या नहीं तो आप CPU से पावर केबल हटा दीजिए। कोई भी काम कीजिए अंदर का, पावर केबल हटाकर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक रैम हटा दिया हो क्योंकि मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यहाँ पे मेरे पास दो रैम है, यहाँ पे इसको सही से रैम निकालना पड़ता है। थोड़ा ये लाइट जलाइएगा, इसको इस पे लाइट जलाइए और इसको थोड़ा यहाँ पे जलाइए, यहाँ पे आराम से इसको ये दोनों प्रेस करके, दिख रहा है ना, यहाँ पे जलाओ, केवल रैम दिखना चाहिए। यहाँ पे आपको रैम दोनों को, दोनों साइड को आराम से इसको हटाकर, या नहीं तो आपको जरूरत पड़े तो आप केबल भी यहां से कुछ कुछ केबल भी रिमूव कर सकते हैं, ओके। यहां से आपको आराम से रैम, यहां पे इजिली रैम निकल जाएगा। दोनों रैम को आप क्या कीजिए, रबर से, मतलब कि रबर जो होता है उससे आप इस पिन, ये जो पिन है, इस पिन को आप प्रॉपर तरीका से क्लीन कीजिए, साफ कीजिए, दोनों रैम को आप क्लीन कीजिए। Burn me out, love just brings me down. Go inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. उसके बाद आप ये कीजिए, इसके बाद आप रैम को 1x1 लगाकर टेस्ट कीजिए। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं सिमोस बैटरी को, समटाइम कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है तो बायोस में आप यहाँ पे शॉर्ट लगवा सकते हैं। सिंपल इसको ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे मतलब इस तरह से प्रेस करके आप सिमोस बैटरी निकाल सकते हो, ओके। सिमोस बैटरी का काम होता है जो टाइम डेट और कुछ बेसिक चीज मेंटेन करके रखना सिस्टम में। इसको आप सिंपली आप यहाँ पे, इसको आप अपने जीप पे, यहाँ पे तालू पे सटा के आप चेक कर सकते हो कि ये चार्ज है या नहीं। तो यहाँ पे आप सिंपल आप इसको शॉर्ट लगा दीजिए, क्योंकि कुछ रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन हो गया होगा तो ये ऑटोमेटिक, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे ये आ जाएगा। तो इसको आप इस पे टच कर दीजिए और ये शॉर्ट लग गया और ये डिफॉल्ट सेटिंग पे आ गया होगा। सिंपल इसको यहाँ पे सिमोस बैटरी को लगा दीजिए, रैम को क्लीन करने के बाद 1x1 टेस्ट कीजिए, ओके। यहाँ पे आपको लगाना है इस पे, दिखाइए थोड़ा, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे सिंपल आपको ये ढांचा आपको ध्यान देना है, ये जो देख रहे हैं ये, इस पे आपको ध्यान देना है और यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों कवर होना चाहिए, ओके। और सॉरी, इस तरह से लगाना है, इस तरह से आपको यहाँ पे दोनों में
लगा देना है। और सॉरी, इसको थोड़ा इधर करने के बाद ये लगेगा। और ये देख रहे हैं प्रॉपर तरीका से लग गया। आपको दोनों रैम लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास मल्टीपल रैम है, 3-4-5 रैम है, तो आप एक बार में हर ऑल टू ऑल रैम आप इंसर्ट नहीं कीजिए। आप 1x1 रैम लगाकर आप टेस्ट कीजिए। समटाइम रैम में भी प्रॉब्लम होता है, तो 1x1 रैम को भी लगाइए और 1x1 स्लॉट को भी चेंज कीजिए, क्योंकि स्लॉट में भी और स्लॉट को भी इस तरह से आपको साफ कर लेना है, क्योंकि समटाइम स्लॉट में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मैं यहाँ पे रैम लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों साइड से आप प्रेस करके आप आराम से थोड़ा, और यहाँ पे कट का आवाज आएगा, कट का आवाज आया मतलब कि रैम प्रॉपर तरीका से लग गया है। यहाँ पे आपको ये जो पिन देख रहे हैं ना, समटाइम ये पिन कहीं अदर जगह पे लगता है तो ये शॉर्ट लग जाता है आपका आपके मदरबोर्ड में, जिस वजह से आपका मदरबोर्ड मतलब आपका सिस्टम प्रॉपर तरीका से स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो ये मेक श्योर हो जाए कि इसको आप सही जगह पे लगाए। ये बायोस के कॉन्फ़िगरेशन को रिसेट करने के लिए है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अंदर यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, तो ये मेक श्योर हो जाए, ये आ रहा है, यहाँ पे आपको लगा देना। ये देख रहे हैं इस जगह पे पहले से ही लगा था, तो यहाँ पे आपको लगा देना है। ऐसा नहीं कि इसको आप कहीं और जगह पे लगा दीजिए, कहीं और जगह पे लगाइएगा तो सिस्टम शॉर्ट हो जाएगा और सिस्टम आपका स्टार्ट नहीं होगा। इसको भी आप सही जगह पे आप लगाए। अब मैं यहाँ पे पावर केबल लगाता हूं, यहाँ पे देख रहे हैं पावर केबल। ओके, तो अब मैं पावर केबल लगाया हूँ, वीजे केबल लगा है, यूएसबी सबका पोर्ट लगा हुआ है, और ये थोड़ा फैन थोड़ा यहाँ पे मूव कर रहा है फास्ट। और मैं एक ही रैम पे, यहाँ पे देख रहे हैं एक ही रैम पे, मतलब कि एक ही रैम लगा है और एक ही रैम पे मैं अभी सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सिंपल मैं यहाँ पे सिस्टम को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने सिस्टम को स्टार्ट कर दिया हो, और यहाँ पे कीबोर्ड और माउस में भी लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सीपीयू यहाँ पे देख रहे हैं, इस पे प्रेस करना है और ये स्टार्ट कर देना है। देख रहे हैं यहाँ पे सिस्टम मेरा स्टार्ट हो गया, और फैन यहाँ पे फास्ट में मूव कर रहा है, और जब स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फैन थोड़ा स्लो हो गया, और ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा तो फिर फैन का जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड, ये नॉर्मल स्पीड से ही चलेगा। अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये फैन फास्ट में रन कर रहा है। अगेन आपको स्टार्ट करना है, और यहाँ पे ये ऑफ हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपको एक बार प्रेस कर रखना है, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे एक बार प्रेस करके रखना है, हो गया। यहाँ पे एक बार प्रेस करके रखिए और देखिए, और सॉरी यहाँ पे ओके, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, माउस का लाइट यहाँ पे जल रहा है, फिर ये बंद हो जाता है। देखिए ये जला और फिर ये बंद हो गया। फिर से एक बार आप रैम को निकालिए, फिर सबसे पहले पावर केबल निकाल लेते हैं, और यहाँ पे देख रहे बिलिंग, यहाँ पे लाइट बिलिंग कर ही रहा है। फिर से आप रैम को एक्सचेंज कीजिए, ओके, और स्लॉट को भी चेंज कीजिए। यहाँ पे मैं दूसरे स्लॉट में मैं लगाता हूँ, उसके बाद फिर टेस्ट करते हैं, क्योंकि समटाइम स्लॉट में भी कुछ प्रॉब्लम होता है और रैम में भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे और ये मेक श्योर हो जाए कि आपका वीजे केबल और हर केबल सही हो, प्रॉपर तरीका से वो वर्क करता हो। यहाँ पे आप क्या कीजिए, रैम को दूसरे स्लॉट पे लगाइए, और फिर से मैं पावर केबल यहाँ पे लगाता हूँ, उसके बाद फिर से मैं देखता हूँ सिस्टम स्टार्ट हो रहा है नहीं। यहाँ पे मैं पावर केबल लगा दिया, और यहाँ पे देख रहे फिर यहाँ पे प्रॉब्लम टू ये लाइट दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे फिर से आप स्लॉट को चेंज कीजिए, रैम का स्लॉट जो है वो चेंज कीजिए। यहाँ पे मैं ये रैम को हटाता हूँ और ये दूसरे स्लॉट पे मैं लगाता हूँ, और स्लॉट को अच्छा से आप क्लीन कर ले। मैं दूसरे स्लॉट तीसरे स्लॉट पे मैं लगाता हूँ, और इस अच्छा से रैम को भी अच्छे से लगाए, दोनों साइड से प्रेस करके लगाए। उसके बाद मैं पावर केबल लगाता हूँ, और पावर केबल लगाने के बाद फिर देख रहे हैं, और फिर आपको उसी तरीके से मतलब कम
40 50 सेकेंड आपको पावर बटन, यदि वो प्रॉपर तरीका से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो 40 50 सेकेंड तक आप पावर बटन प्रेस कर कर ही रखे, ओके, तो फैन का जो स्पीड है ना वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने पावर बटन प्रेस करके रखा तो फैन का स्पीड कम गया, और फिर से एक नॉर्मल मोड में एक बार पावर बटन को प्रेस करें, उसके बाद देखिए सिस्टम स्टार्ट होता है नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे सिस्टम मेरा स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे F1 से बूट और प्रेस एस्केप फॉर स्टार्टअप मेनू। स्टार्टअप मेनू में जाने के लिए यहाँ पे एस्केप बोला है और बूट करने के लिए F1। तो सिंपल मैं कीबोर्ड पे यहाँ पे F1 प्रेस करता हूँ और सिस्टम मेरा स्टार्ट हो गया। यदि आपका प्रॉब्लम अभी तक भी सॉल्व नहीं होता है, ओके, तो आप लास्ट में ये भी कर दीजिए, प्रोसेसर में आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैं प्रोसेसर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप प्रोसेसर को चेक कर लीजिए वहाँ पे गम लगा है या नहीं, गम भी थोड़ा लगा लीजिए वहाँ पे प्रोसेसर के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे प्रोसेसर को ओपन कर रहा हूँ, काफ़ी मैं फास्ट में ओपन कर रहा हूँ, वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, और यहाँ पे आपको गम लगा लेना है। डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वो प्रोसेसर होता है फैन, तो किसी किसी में लॉक सिस्टम भी होता है और किसी किसी में स्क्रू भी होता है। तो सिंपल आप स्क्रू वाला है तो स्क्रू को ओपन कर लीजिए, लॉक सिस्टम है तो लॉक को ओपन करके उसको सही से प्रोसेसर को ओपन कीजिए। यह ध्यान रहे कि प्रोसेसर का जो पिन होता है उसको निकाल कर उसको सही से रखिएगा, ऐसा नहीं कि उस पर उंगली, मतलब उंगली लगाइएगा, किसी से टच करवाइएगा तो प्रोसेसर पे चिप पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ध्यान रहे चिप पे किसी भी तरह का छेड़खानी मत कीजिएगा, नहीं तो प्रोसेसर आपका खराब भी हो सकता है, ओके। तो इस तरह से आप प्रोसेस में गम लगाइए, इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया पहले, और इसके बाद ये सही हो जाएगा तो लास्ट में क्या करना, एक रैम पे स्टार्ट करना सिस्टम, इसके बाद जितना भी रैम होगा उसके बाद सारा रैम लगा देना, उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया था पावर बटन प्रेस करके रखना, और जो भी मैंने पिछले वाले पीछे स्टेप बताया था ऑल स्टेप आप फॉलो कीजिए, उसके बाद आप सिस्टम ओपन कीजिए, सिस्टम ओपन हो जाएगा, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आशा करता हूँ ये आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो गया होगा। इस तरह से टेक्निकली वीडियो एंड कई सारा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।